यूपी में पहले चरण के रण में बीजेपी ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। 31 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल रैली, पार्टी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। पहले चरण के तहत 11 जिलों के करीब 1.5 लाख कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी करेंगे संवाद, 1 लाख बूथ अध्यक्षों और पन्ना प्रमुखों से करेंगे चर्चा। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत, कैराना के बाद आज मुजफ्फरनगर और देवबंद जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। सहारनपुर की 4 विधानसभा में डोर टू डोर प्रचार करेंगे अमित शाह, मुस्लिम बहुल देवबंद में घर घर जाकर मांगेंगे वोट। सहारनपुर में प्रभावी वोटरों को के साथ संवाद भी करेंगे अमित शाह, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर देंगे जीत का मंत्र। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज इटावा, औरैया और बरेली में करेंगे चुनाव प्रचार, प्रचार से पहले बजरंगबली का आशीर्वाद लेंगे, घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। आज मेरठ के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, रसबन बाजार में घर घर पहुंचकर करेंगे जनसंपर्क, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मार्गदर्शन भी करेंगे। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी गाजियाबाद और गढ़मुक्तेश्वर में एक साथ दिखाएंगे ताकत, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साधेंगे निशाना, पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में मांगेंगे जन समर्थन। बीजेपी से एसपी में आए धर्म सिंह सैनी की सभा में लगे जय श्री राम के नारे, बौखलाए सैनी ने कहा मैंने चूड़ियां नहीं पहन रखी, बीजेपी प्रत्याशियों के साथ भी ऐसा ही करवा दूंगा। सहारनपुर के नकुड़ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं धर्म सिंह सैनी, यूपी सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देकर एसपी में शामिल हुए धर्म सिंह। इकतीस जनवरी को नामांकन करेंगे अखिलेश यादव, मैनपुरी की करहल सीट से दाखिल करेंगे पर्चा। यूपी विधानसभा चुनाव में सियासी दलों के बीच जुबानी जंग तेज, लाल टोपी को लेकर सीएम योगी का अखिलेश पर तंज, कहा कि याद रखना पीएम की बात, लाल टोपी वाले रेड अलर्ट। लाल रंग को लेकर अखिलेश का बयान, कहा कि सिर पर लाल टोपी और जेब में अन्न की लाल पोटली लेकर चलता हूं, यह अन्नदाता के पक्ष में बीजेपी को हराने का संकल्प है। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला, कहा आतंकियों और दंगाइयों के हमदर्द थी पिछली सरकार। सीएम योगी ने ट्वीट में लिखा सपा सरकार में चलती थी राम भक्तों पर गोलियां, बीजेपी ने रामलला का विराजमान का सपना साकार कराया। सीएम योगी ने ट्विटर पर लिखा वे थे तो शिवभक्त कांवड़ियों की यात्राएं रद्द हुई, हम हैं तो शिवभक्त कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। अखिलेश यादव ने चुनावी मशीनरी पर उठाए सवाल, कहा कि पोस्टल बैलेट के जरिए हो सकता है फर्जीवाड़ा, कर्मचारी से किसी भी अधिकारी को अपना पहचान पत्र न देने की अपील। वेस्टर्न यूपी में अमित शाह के दांव पर बड़ी एसपी गठबंधन की टेंशन, अखिलेश जयंत को साथ आकर बताना पड़ा ऑल इज वेल। पश्चिमी यूपी में जाट वोटों पर छिड़ी सियासी जंग, मुजफ्फरनगर में जयंत के साथ अखिलेश का ऐलान, 15 दिन में करेंगे गन्ने का भुगतान। यूपी के मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा कि हम इस बार बीजेपी का राजनीतिक पलायन होगा, जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है बीजेपी। अखिलेश यादव ने बीजेपी के चुनावी वादों को झूठा करार किया, कहा कि उन्हें पहले अपना संकल्प पत्र पढ़ना चाहिए। हापुड़ में सीएम योगी के हुंकार, अखिलेश यादव पर बोला हमला, कैराना से पलायन कराने वालों को सपा ने बनाया उम्मीदवार, हमने अपराधियों पर कार्रवाई की। मेरठ में भी सीएम योगी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा कि विरोधियों ने कोरोना वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताया। हसनापुर में प्रभावी वोटर संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, कार्यकर्ताओं को डोर टू डोर कैंपेन करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने जिन्ना के बहाने फिर से एसपी और अखिलेश यादव पर साधा निशाना, ट्वीट करके लिखा वे जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी। सीएम योगी ने ट्विटर पर लिखा उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान निछावर करते हैं। कोरोना टीकाकरण में यूपी का कीर्तिमान, प्रदेश में अब तक 10 करोड़ लोगों को लगी दोनों डोजेस, सीएम योगी ने लोगों से अपील की आप ही लगवाएं टीका जीत का। सीएम योगी ने टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक की, सीएम योगी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सख्त निर्देश देते नजर आए। मेरठ में सीएम योगी ने कहा जल्दी ही बच्चों को के लिए स्कूल खुलेंगे, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी, तीसरी लहर से डरने की जरूरत नहीं। यूपी विधान परिषद के लिए 2 चरणों में होगा मतदान, 3 और 7 मार्च को की जाएगी वोटिंग, 12 मार्च को काउंटिंग होगी।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया ट्वीट, लिखा वर्षों से बाधित परियोजनाओं को पिछले 7.5 सालों में किया गया पूरा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर मुजफ्फरनगर जाने से रोकने का आरोप लगाया, बिना किसी सूचना के मेरा हेलीकॉप्टर रोका गया। मुजफ्फरनगर में एसपी कार्यकर्ताओं का हेलीपैड पर जोरदार हंगामा, बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। अखिलेश यादव के आरोपों पर एयरपोर्ट अधिकारी की सफाई, हाईएयर ट्रैफिक की वजह से हेलीकॉप्टर को देरी हुई। हेलीकॉप्टर रोकने के आरोपों के बाद केशव प्रसाद मौर्य का तंज, सफाई जाने के लिए तैयार हैं अखिलेश यादव। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अखिलेश यादव और उनके गठबंधन को रोकने की जरूरत नहीं है, यूपी की जनता ने 2014 में ही एसपी को रोकने का फैसला कर लिया था जो आज तक कायम है। दिल्ली में अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर रोकने पर बोले सिद्धार्थनाथ सिंह, विक्टिम का खेलकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं अखिलेश। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश पर कसा तंज, कहा उनको हार नजर आने लग गई है, ऐसे नौटंकी से फोटो मिल सकती है वोट नहीं। समाजवादी पार्टी पर ओवैसी का बड़ा हमला, कहा कि लॉलीपॉप देकर मासूमों को बहला रहे अखिलेश, एसपी और बीएसपी की वजह से जीतेगी बीजेपी। मुनव्वर राणा के देश विरोधी बोल, कहा कि पीएम मोदी को चीन से लगता है डर, ओवैसी की मदद से बनेगी यूपी सरकार तो करेंगे पलायन, यूपी के अच्छे हालात नहीं। यूपी चुनाव के लिए बीएसपी ने 8 उम्मीदवार और घोषित किए, आर्यनगर से आदित्य जायसवाल, फिरोजाबाद से साजिया हसन और चरखारी से विनोद कुमार राजपूत को बनाया प्रत्याशी। 6 फरवरी को अलीगढ़ में रैली करेंगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती, नुमाइश ग्राउंड में होगी मायावती की जनसभा। बसपा प्रमुख मायावती ने किया ट्वीट, धर्म और जाति की राजनीति के लिए बीजेपी सपा पर लगाया अंदरूनी मिली भगत का आरोप, मायावती ने लिखा जनता सतर्क रहे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का प्रियंका गांधी पर हमला, कहा कि यूपी कांग्रेस में चल रहा टिकट वापसी का अभियान, टिकट लेने वालों से ज्यादा टिकट वापस करने वालों के थे। रामपुर के स्वार से एसपी प्रत्याशी अब्दुल्ला आजम के 2 नामांकन पत्र में अलग अलग उम्र, एक नामांकन पत्र में 31 साल, दूसरे में 32 साल। मेरठ में यूपी पुलिस के जवानों ने लगाए जन चौधरी के नारे, खादी वर्दी में लगाए जन चौधरी जिंदाबाद के नारे, एसपी ने 2 सिपाहियों को निलंबित किया। जाटलैंड की सियासत पर बोले टिकैत, जाटों के बीच हिंदू मुसलमान वाली चुनावी दाल नहीं गलेगी, जिन्नावाद का एजेंडा भी जाटलैंड में होगा फुस। राकेश टिकैत ने कहा जाटलैंड में कास्ट पॉलिटिक्स तोड़ेगी दम, बीजेपी ने अलग अलग राज्यों में जातियों को तोड़ा। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र पर लगाया वादा खिलाफी के आरोप, कहा कि अब तक आंदोलनकारियों से नहीं मिली सरकार, किसानों और युवाओं पर डंडे बरसाती है सरकार। भोजपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अशरत जमाल सिद्दीकी ने नियमों की धज्जियां उड़ाई, निर्वाचन कार्यालय के बाहर समर्थकों के साथ जमकर नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी के सहारनपुर नगर प्रत्याशी संजय गर्ग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण की मांग की, मांग पूरी न होने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी। यूपी चुनाव के लिए जेडीयू ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, राजीव रंजन सिंह केसी त्यागी होंगे स्टार प्रचारक। अपना दल एस ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची, घाटमपुर से सरोज कुरील को बनाया उम्मीदवार, कायमगंज से डॉक्टर सुरभि को बनाया प्रत्याशी। यूपी चुनाव में सुरताल की लड़ाई, अनामिका जैन ने लॉन्च किया गाना, सीएम योगी की तारीफ की, यूपी में काबा का जवाब है गाना। अयोध्या में साधु संतों ने किया सीएम योगी का समर्थन, कहा कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय रहा योगी की 5 वर्ष का कार्यकाल, बीजेपी शासन में राम मंदिर का निर्माण। गाजियाबाद किलोनी में धरने पर बैठक बीजेपी प्रत्याशी नंद किशोर गुर्जर, पुलिस चौकी को की सस्पेंड करने की मांग, अधिकारियों के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। कौशाम्बी में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज, करीब 60 कार्यकर्ता एक साथ कर रहे थे डोर टू डोर कैंपेन। यूपी विधानसभा चुनाव के प्रचार को लेकर नई गाइडलाइन, 8 फरवरी तक सभी दल अधिकतम 500 लोगों के साथ खुले स्थान पर कर सकेंगे प्रचार। उत्तर प्रदेश में आईपीएस पदों की संख्या बढ़ाई गई, 517 से 541 की गई आईपीएस पदों की संख्या, एडीजी और आईजी के कई पद खत्म किए गए।
अयोध्या में डीआईजी पीएसी सेक्टर का बना नया पद, पुलिस कमिश्नर और साइबर क्राइम को नहीं मिली कैडर पोस्ट। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर में एसपी रैंक के 17, आईजी और डीआईजी रैंक के 2-2 पद कैडर पोस्ट किए गए। प्रयागराज में छात्रा की रेप के बाद हत्या का पुलिस ने खुलासा किया, प्रेमी ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, सभी आरोपी गिरफ्तार। जालौर में सिरफिरे आशिक ने शादी का दबाव बनाने के लिए कोचिंग जा रही छात्रा को अगवा किया, शोर मचाने पर छात्रा का चलती गाड़ी से उसको फेंका। चंदौली में नाबालिग प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दी, पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे। गाजीपुर में कक्षा 11 के छात्र की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या, सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरदोई में संदिग्ध हालत में मोबाइल वैन में मिला 2 कर्मचारियों का शव, जल शक्ति मिशन के तहत ग्रामीण इलाके में पानी चेक करने आए थे कर्मचारी। कानपुर पुलिस ने ई रिक्शा चालक की हत्या का खुलासा किया, लकड़ी के काम में पार्टनरशिप तोड़ने के विवाद में की गई हत्या, पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। सीतापुर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 50 और 25,000 के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया, बदमाशों से तमंचा कारतूस बरामद। गाजियाबाद पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, 2 महिलाओं समेत गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया, 30 लैपटॉप, 137 फर्जी आधार कार्ड बरामद। यूपीएसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, भारतीय सेना के जाट रेजिमेंट से रिटायर है 50,000 का इनामी। हरदोई में चेकिंग के दौरान हिस्ट्री शीटर बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने करीब 2.5 किलो डोडा और तमंचा कारतूस बरामद किया। बिजनौर पुलिस ने हाईवे पर ट्रक ड्राइवर की हत्या कर लूट की वारदात को अंजाम दिया, 6 लुटेरियों को गिरफ्तार कर लूट का माल बरामद। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने की जंगलों में छापेमारी, अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, बरामद किए गए 36 तमंचे, 3 बंदूक, 100 कारतूस। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने रेस्टोरेंट में घुसकर की मारपीट और तोड़फोड़, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात, पुलिस ने तफ्तीश शुरू। जौनपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से किशोर की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रैक्टर को किया आग के हवाले, पुलिस के समझाने पर शांत हुए। रायबरेली में साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में पलटी कार, कार सवार 3 लोगों की मौत, 1 की हालत गंभीर। बुलंदशहर के खुर्जा में कच्चे मकान की छत गिरी, आधा दर्जन लोग मलबे में दबे, महिला की मौत, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। कानपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों ने किया कुलपति कार्यालय का घेराव, 2019 में हुई परीक्षा का रिजल्ट अभी तक नहीं हुआ जारी। महाराजगंज में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर डीएम ने बुलाई बैठक, बैठक में सभी नोडल अधिकारियों को डीएम ने दिए दिशा निर्देश। बिहार बंद को लेकर देवरिया पुलिस प्रशासन अलर्ट, भाट पर रानी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के साथ कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात रही। बढ़ते प्रदूषण पर सख्त, दिल्ली सरकार ला रही नई नीति, बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट दिखाए पंपों पर नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा नई नीति के तहत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहन राजधानी में न चलें और लोग साफ हवा में सांस ले सकें। दिल्ली दंगों की साजिश को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा दावा, कहा 11 सितंबर के आतंकी हमले की तरह रची गई थी पूरी साजिश। ममता सरकार का अनाधिकृत मंदिरों को लेकर नया फरमान जारी, 8 जिलाधिकारियों को चिट्ठी लिखकर इन मंदिरों को सभी सार्वजनिक स्थानों से हटाने के निर्देश। पंजाब में आज दिग्गजों का नामांकन, अमृतसर पूर्वी सीट से सिद्धू भरेंगे पर्चा, तो संगरूर से भूरी विधानसभा सीट से आपके भगवंत करेंगे अपना नामांकन। पंजाब चुनाव से पहले सिद्धू पर बहन ने लगाए गंभीर आरोप, सिद्धू की बहन सुमन तूर बोली संपत्ति के लिए भाई ने मां को छोड़ा। सुमन तूर ने सिद्धू के उस बयान को झूठा बताया जिसमें सिद्धू ने कहा था कि उनके माता पिता न्यायिक तौर पर अलग हुए थे। बिहार एमएलसी चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और जेडीयू में सहमति, 12-12 सीटों पर लड़ेंगे दोनों दल, शनिवार को होगी घोषणा। बिहार के गया में खेत में गिरा सेना का ट्रेनी विमान, लोगों ने कंधे पर उठाकर सड़क पर रखा, दोनों पायलट सुरक्षित। राजस्थान के कानून व्यवस्था को लेकर महामंथन, सीएम गहलोत ने पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की, कहा कि हर पीड़ित को मिले न्याय।
एनसीसी के कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, आने वाला वक्त भारत का है, राष्ट्रभक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं, युवा नए भारत के संकल्पों को पूरा करेंगे। प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, प्रमोशन में आरक्षण की शर्तों को कम करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरक्षण देने से पहले आंकड़ों का होना जरूरी, समय समय पर सरकार समीक्षा करे, सरकार इसकी अवधि भी तय करे। गणतंत्र दिवस समारोह का होगा औपचारिक आज समापन, नई दिल्ली में विजय चौक पर होगी मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, समारोह के दौरान होगा 1000 ड्रोन्स का शो। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करेगा भारत, $374 मिलियन में हुई ये डील। जेरूसलम में बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें, शहर की बस सेवाओं पर लगी रोक, स्कूलों को भी किया गया बंद। रूस यूक्रेन विवाद के बीच अमेरिका ने किया एक बड़ा ऐलान, राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले पूर्वी यूरोप में सेना की छोटी टुकड़ियां भेजेंगे। यूक्रेन और पश्चिमी देशों के साथ बिगड़ते संबंधों के बीच रूस ने अपनी सीमाओं पर बढ़ाई सैन्य तैनाती, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को बॉर्डर पर भेजा। रूस के साथ तनाव के बीच यूक्रेन ने फौज के रिटायर्ड जवानों को फिर से तैनात किया, बैकअप की जरूरत पड़ने पर होगी मोर्चे पर तैनाती। उत्तर कोरिया ने किया साल का छठा मिसाइल परीक्षण, चीन ने परीक्षण पर जताई चिंता, आपसी बातचीत से मामले को हल करने की अपील की।